सो हेलो ट्रेडर्स, मेरे सभी फ्रेंड्स का हमारे नए ब्रांड वीडियो में स्वागत करता हूँ। और खुश इसलिए हूँ कि आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिससे आप रिजल्ट भी देख सकते हो, बहुत कंटिन्यूअसली मतलब अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है इस स्ट्रेटेजी से। एंड इस स्ट्रेटेजी से अगर आपका लॉस हो जाएगा तो सिर्फ मुझे टेलीग्राम पर बता देना कि भाई हमारा ये स्ट्रेटेजी यूज करके लॉस हो रहा है। तो चलो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम दो इंडिकेटर कंबाइन करके कितनी बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और कितना अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट से निकाल सकते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे छोट मतलब आपको एकदम छोटी सी बात बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहां पर मैंने अभी यहां पर आपको स्क्रीन पे एक रिव्यू दिख रहा होगा टेलीग्राम का, तो जो भी मेंबर लॉस में है या चाहे कहीं से भी स्कैम होके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पर स्कैम चलते रहते हैं, तो इन सबके थक हार के लोग मतलब बैठे हुए हैं, तो एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में अच्छा ही ना लगे या फिर आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले टेलीग्राम से, जहां पर मैं लाइव सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ एंड डेली हमारे श्योर शॉट वीआईपी में भी होते हैं और फ्री चैनल में भी मैं जीरो ऑफ कॉस्ट मतलब एक भी पैसा नहीं लेता हूँ और दिन के दो तीन श्योर शॉट तो फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इससे इससे मतलब इतनी बेहतरीन अभी क्या ही बोलूं मैं आपको। तो एक बार टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना। अगर वीडियो अच्छा मतलब टेलीग्राम चैनल अच्छा लगेगा तो ही रहना टेलीग्राम चैनल पे, वरना आप हमारे चैनल से लीव भी हो सकते हो, कोई मतलब फोर्सफुली बात नहीं है यहाँ पर। तो चलो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचता हूं, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि इंडिकेटर का क्या क्या सेटअप करना है आपको और कौन से इंडिकेटर आपको यूज कर लेने हैं। तो सबसे पहले जाने के बाद यहां पर आपको कर लेना है स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर। तो स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर का पीरियड है वो रखना है हमें 12 12 पीरियड रख के यहाँ पर 3 3, और ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल हमें 80 और 20 कर लेनी है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल यहाँ पर 20 हो चुकी है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट इंडिकेटर, जो कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सॉरी गाइस। तो यहाँ पर सेकेंड इंडिकेटर जो यूज करने वाला हूं मैं, वो करने वाला हूँ मूविंग एवरेज। कहाँ पर है? हाँ, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में यहाँ पर रखने वाला हूँ 5, उसका कलर करने वाला हूँ ब्लू। देन अगेन यहाँ पर जाने वाला हूँ बैक, देन अगेन बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं अगेन मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ एंड उसका पीरियड रखने वाला हूँ 50, और उसका कलर भी मैं ब्लू ही करूंगा। तो मैं 5 और 50 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर रख दिया है। देन थर्ड जो इंडिकेटर, फोर्थ जो इंडिकेटर हमारा रहेगा मतलब थर्ड ही है, दो मूविंग एवरेज लगाए हैं, वो थर्ड इंडिकेटर जो मैं यूज करने वाला हूँ वो है आरएसआई। और आरएसआई जो हमें रखना है वो रखना है हमें 9 पे। तो 9 और ओवरसोल्ड ओवरबोल्ड लेवल, तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल तो इतने ही रहने दो, यहाँ पर सिर्फ पीरियड हमें 9 रखना है और मेन लाइन जो है वो हम ब्लू कर देते हैं और थोड़ी सी थिक कर देते हैं। ओके, चलो इतना सेटअप तो हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर देख लेना मार्केट कितना अच्छा, मतलब आपको अभी बताऊंगा मैं कि मूवमेंट किस तरीके से आपको ट्रेड करना है एंड क्या कर लेना है, और थोड़े बहुत लाइव सिग्नल्स भी लेके दिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर देखो यहाँ पर ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया इस कैंडल पर, और उसी कैंडल पर अगर आरएसआई की मूवमेंट अपवर्ड है, मतलब जैसे आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और उसी टाइम पे अगर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा और यहां पर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो हमें 1 मिनट का बाय, यहां पर जो डिफॉल्ट टाइमर है उस टाइमर पर हमें ट्रेड ले लेना है। मतलब एकदम सिंपल बेसिक सा फंडा है। यहां पर भी आप देखोगे यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे मार्केट ऑलरेडी डाउन आ चुका था, स्टॉकेस्टिक ने यही पर से डाउन देना स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी है, तो वो सब मैं आपको लाइव एग्जांपल में बता दूंगा। तो चलो डायरेक्ट लाइव एग्जांपल पे शिफ्ट करते हैं, अगर कोई ट्रेड गाइस। तो चलो लाइव एग्जांपल की बारी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर आपको दो बहुत सारे लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा कि जिससे आपका भी पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड आपको भी मतलब रिजल्ट अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर ओटीसी नहीं है, तो वो पहले मैं तो मतलब ये कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमें 15 सेकेंड पर ही ट्रेड करना है, तो 15 सेकेंड हमारा सेट रहेगा एंड अमाउंट जो है वो यहाँ पर मैं $199 कर देता हूँ एंड लाइव अकाउंट से यहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो अपना बैलेंस जस्ट अभी 5000 टच होने के लिए मतलब थोड़ा सा ही बाकी है, तो 5000 हमें टच कर लेना है इस वीडियो के इसमें। तो चलो यहाँ पर पहले कुछ करेंसी ऐड कर लेते हैं, और जैसे कि स्टॉक हुआ अमेरिकन एक्सप्रेस अवेलेबल है यहाँ पर, फेसबुक जो इंटेल इंटेल भी है, जॉनसन मैकडोनल्ड्स
पिफिजर आईएनसी नहीं है तो ये ऐड कर देता हूँ एक, एंड देन बोइंग कंपनी भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो चलो इतने एक बहुत सारे हो चुके हैं, तो लेट्स सी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्रॉसओवर मिल रहा है, कहाँ पर क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। अगर जहां पर भी हमें क्रॉसओवर मिलेगा और स्टॉकेस्टिक का भी अच्छा खासा ये मिल जाएगा तो वहां पर हम ट्रेड कर देंगे प्लेस। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, जैसे ही ट्रेड मिलेगा आपको अपडेट मतलब आपको लाइव दिखा देता हूँ, तब तक लाइव वीडियो बंद कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर मिल सकता है, तो आरएसआई ने भी ऑलरेडी डाउन मूवमेंट दिखा दिए है और स्टॉकेस्टिक भी है जो कि डाउन के डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन के मतलब फ्लक्चुएशन बहुत है मार्केट में, फिर भी वेट करते हैं। जहां पर भी क्रॉसओवर मिलेगा, यहाँ पर भी मैंने एक ऐड कर दिया है करेंसी, तो जहां पर भी क्रॉसओवर मिलेगा वहां पर हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। तो अभी तक तो क्रॉसओवर नहीं मिल रहा है हमें, और फेसबुक ओटीसी में भी नहीं, क्रॉसओवर नहीं मिल रहा है गाइस। तो जैसे ही क्रॉसओवर मिल जाएगा मैं आपको ट्रेड दिखा दूंगा। तो यहां पर भी एक क्रॉसओवर का चांसेस है और आरएसआई भी अब के लिए मूवमेंट दे रहा है, लेकिन मार्केट ने अभी तक क्रॉसओवर नहीं किया है, मतलब 5 मूविंग एवरेज ने यहां पर क्रॉसओवर नहीं दिया है। जैसे ही क्रॉसओवर आएगा हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। तो देखो कंडीशन यहाँ पर एक डाउनवर्ड की थी, अगेन यहाँ पर एक डाउनवर्ड की थी। तो जैसे जैसे आपको मतलब एग्जांपल में आगे आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड कर लेना है, तब तक देखते हैं। जहां पर भी इसमें गाइज आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मतलब ये स्ट्रेटेजी मत यूज करना, बिकॉज बहुत पेशेंस लगते हैं बहुत बार। ये देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो सकता है, चलो यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री, गाइज एंट्री तो बहुत अप लग गई है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर 15 सेकेंड के लिए और एक मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, बट यहाँ पर मेरा पहला ही ट्रेड शायद विन होने वाला है। तो यहाँ पर देख लो आप कितना अच्छा क्रॉस ओवर आ चुका है, एंड कितनी अच्छी है, मतलब यहाँ पर हमारा परफेक्ट फर्स्ट ट्रेड विन हो चुका है। तो 15 सेकेंड का ही ट्रेड था, ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं था, फिर भी मैंने आपको मतलब कितने प्रॉपर, अभी देखो यहाँ पर इस कैंडल पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, मुझे पता था क्रॉस ओवर होने वाला है। क्रॉस ओवर जैसे हुआ स्टॉकेस्टिक की मूवमेंट देख लो अब के लिए थी, आरएसआई भी यहाँ पर अपवर्ड के लिए ही ट्रेवल कर रहा था। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में ही हमारा विन हो चुका है। तो आगे जाके भी आपको और एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हमें एक अप के लिए ट्रेड मिल सकता है, तो नेक्स्ट कैंडल शायद मैं अप के लिए चला जाऊंगा, बिकॉज आरएसआई ऑलरेडी अप की मूवमेंट दिखा रहा है, एंड मार्केट के आप मूवमेंट देखोगे तो अप के लिए ज्यादा हो रही है। फिर भी वेट करते हैं, जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक पेशेंस रखते हैं। अगेन गेम गेम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ पेशेंस का ही गेम है। तो यहाँ पर भी डाउन के लिए आ सकता था मार्केट, लेकिन एंट्री अभी लेट हो जाएगी अपनी बहुत। तो लेट्स सी रिजल्ट तो देखो गाइस, रिजल्ट तो हर एक्यूर मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी हो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है, बट जिस तरीके से मतलब हम अभी देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर अप के लिए है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट एक कैंडल अप के लिए प्लेस कर देता हूँ। तो मार्केट शायद नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर से मैंने एक और ट्रेड अप के लिए प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड प्लेस क्यों कर दिए है, सॉरी 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 स्टॉकेस्टिक भी थोड़ा बहुत अप डाउन जा रहा था, बट फिर भी यहाँ पर देख सकते हो आप फर्स्ट ट्रेड विन हो चुका है, एंड सेकेंड ट्रेड भी मेरा यहाँ पर विन हो चुका है। तो देखो आप मूवमेंट देख लो अप के लिए आ चुके हैं, तो इसी कैंडल पर मेरे एंट्री पॉइंट अच्छा था, तो इसलिए मेरे यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस विन मतलब विन हो चुके हैं। एक तो मेरा बहुत क्लोज विन होगा, 2 पॉइंट से मेरा विन हो चुका है। तो चलो कैंडल तो एटलीस्ट ग्रीन बन गई, आपको समझ में आ रहा होगा क्या बता रहा हूँ। आप आरएसआई की मूवमेंट एक बार देख लेना, थोड़ा आरएसआई आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ तब आपको पता चलेगा, और स्टॉकेस्टिक थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अगर अच्छी खासी मोमेंटम के साथ अगर स्टॉक आरएसआई मिल रहा है एंड क्रॉसओवर भी हो रहा है, तो हमें ट्रेड प्लेस कर देना चाहिए वहां पर। तो लगभग हमारे बैक टू बैक 2 ट्रेड यहाँ पर विन हो चुके हैं। तो लेट्स सी और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल तो आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव बैलेंस हमारा 5800 मतलब 5400 के क्रॉस हो चुका है, और जो कि हम मतलब स्टार्ट किए थे हमने कुछ अराउंड 4936 डॉलर का कैपिटल था हमारा, मतलब 400 to 500 डॉलर हमारा इस मतलब सेशन में प्रॉफिट हो चुका है। फिर भी आपको एग्जांपल्स दिखा दूंगा। तो यहाँ पर भी एक अपवर्ड नहीं, यहाँ पर अपवर्ड के लिए नहीं जा सकते गाइस, बिकॉज आप देख सकते हो वेट, यहाँ पर आरएसआई ने क्रॉस कर दिया है और आरएसआई भी नीचे आ रहा है और स्टॉकेस्टिक भी नीचे आ रहा है, तो वहां पर अवॉइड कर देते हैं। देखते हैं, देखो पेशेंस का गेम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपके पास प्रॉपर पेशेंस है तो आप मतलब यूज कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी।
तो देखता हूं मैं, अगर जैसे ही सिग्नल मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइज, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर मिल चुका था, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। थोड़ी एंट्री लेट हो चुकी है, थोड़ा सा ट्रेड मैंने अब ही प्लेस करना चाहिए था, बट यहाँ पर एंट्री पॉइंट की वजह से दिक्कत आ सकती है, बट फिर भी वेट करते हैं। अभी 5 सेकेंड्स बाकी है। 3, 2, 1। ओ गाइज, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड लॉस हो चुका है, जो कि मैं यहाँ पर एमटीजी के साथ डबल ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप देखोगे, आरएसआई भी डाउन के लिए अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है, एंड स्टॉकेस्टिक भी डाउन के लिए ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर रिकवरी प्लस प्रॉफिट भी कर लिया है। एंड आप ट्रेड का मतलब पेशेंस देखना, माइंड देखना कि किस तरीके से, ये देखो आप कैंडल की मूवमेंट देख लो, हर कैंडल आपको डाउन ही मिलने वाली है, वो भी सॉलिड रेड कैंडल। तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट थोड़ा नीचे लग गया था, इसलिए हमारा ये ट्रेड लॉस हुआ, अदरवाइज हमारा ये ट्रेड भी विन हो ही जाता। तो और सो गाइस, लाइव मैंने आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाया है, और प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है आप ही बता देना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग हमारा सॉरी गाइस, $600 के आसपास हमारा, 600 क्या, $700 के आसपास हमारा इस मतलब नॉर्मल सेशन में भी आपको सिग्नल दिखाते दिखाते प्रॉफिट हो चुका है। तो यही बात है, आप हमारा, मेरा तो टाइम खत्म हो चुका है। मैं आपको बताने वाला था, एग्जाम्पल भी आपको समझाए, ट्रेड कैसा लेना है वो भी समझा दिया, बट अभी आपकी बारी है, आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना है, आपको प्रॉफिट निकालना है मार्केट से। बहुत तगड़ा काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी तगड़ी काम कर रही है, तो आप जाओ भर भर के यूज कर लेना, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना प्रॉफिट निकाल लेना और एंजॉय कर लेना। तो चलो, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन 100% होना ही होना है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मतलब डेली श्योर शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री चैनल में भी, वीआईपी में भी। तो चलो, अगर आपको टेलीग्राम चैनल अच्छा नहीं लगेगा तो आप लीव भी कर सकते हो, कोई फोर्सफुली बात नहीं है, लेकिन एक बार विजिट जरूर कर लेना। तो चलो, वीडियो कैसा लगा वो तो कमेंट सेक्शन में आप बता ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप भी ध्यान रखना, आपके घर वालों का भी ध्यान रखना। चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।